रिप्लीट विद का मतलब होता है भरा होना। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो यह किताब गलतियों से भरी हुई है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे दिस बुक इज रिप्लीट विद मिस्टेक्स, यानी यह किताब गलतियों से भरी हुई है। मान लीजिए अगर आपको कहना हो यह फॉर्म दोहरावट से भरी हुई है, यानी यह फॉर्म ओवरराइटिंग से भरी हुई है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे दिस फॉर्म इज रिप्लीट विद ओवरराइटिंग, यानी यह फॉर्म ओवरराइटिंग से भरी हुई है। सेट असाइड का मतलब होता है खारिज कर देना। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो कोर्ट ने उसकी अपील को खारिज कर दिया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे द कोर्ट सेट असाइड हिज अपील, यानी कोर्ट ने उसकी अपील को खारिज कर दिया। मान लीजिए अगर आपको कहना हो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का आदेश खारिज कर दिया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे सुप्रीम कोर्ट सेट असाइड द ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने इस बात को समझा। सेट असाइड का मतलब होता है खारिज कर देना। रिफ्रेन फ्रॉम का मतलब होता है रोकना। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो मैं खुद को हंसने से नहीं रोक सका, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई कुड नॉट रिफ्रेन माई सेल्फ फ्रॉम लॉफिंग, यानी मैं खुद को हंसने से नहीं रोक सका। मान लीजिए अगर आपको कहना हो मैं खुद को अंग्रेजी पढ़ाने से नहीं रोक सकता हूँ, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई कांट रिफ्रेन माई सेल्फ फ्रॉम टीचिंग इंग्लिश, यानी मैं खुद को इंग्लिश पढ़ाने से नहीं रोक सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने बड़े शानदार तरीके से सीखा। रिफ्रेन फ्रॉम का मतलब होता है रोकना। प्रोस्पेक्ट ऑफ का मतलब होता है आशा होना। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो उसे कामयाबी की कोई उम्मीद नहीं है या कोई आशा नहीं है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही इज नो प्रोस्पेक्ट ऑफ सक्सेस, यानी उसे कामयाबी की कोई आशा या उम्मीद नहीं है। मान लीजिए अगर आपको कहना हो उसे रिकवरी का कोई उम्मीद नहीं है या कोई आशा नहीं है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे सी इज नो प्रोस्पेक्ट ऑफ रिकवरी, यानी दोबारा ठीक होने की कोई आशा या उम्मीद नहीं है।